ज्वाइन कर चुके हैं और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से 2024 की तैयारी चल रही है, शुरुआत इसी सवाल के साथ कर लेते हैं, बिसात किस तरीके से बिछ रही है ये भी जान लेते हैं। और इस सत्र में मेरे साथ रहेंगे वीरेश पांडे। सबसे पहले आरके सिंह पटेल जी, मेरा सवाल आपसे है सर, किस तरीके से 2024 की तैयारी आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी चल रही है और कामयाब होने की उम्मीद कितनी दिखाई दे रही है 2024 के आम चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की तैयारियां करती रहती है। विश्व का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है आज की तारीख में। मैं विभिन्न दलों में भी रहा हूँ, माननीय अभी प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे थे, मैं उनके साथ भी रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से MP भी रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से अभी MLA और वर्तमान में भी सांसद हूँ। भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन विश्व में कहीं नहीं है। राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वो सदैव तैयारी में लगा रहता है। हमारा जमीन पर बूथ का कार्यकर्ता वो सदैव चुनाव की तैयारी में लगा रहता है। चुनाव जब भी आएगा, हमारा 19 रहा, 22 रहा, 24 आ रहा है, अभी पंचायतों, अभी नगर पंचायतों के चुनाव हैं, अभी MLC का चुनाव चल ही रहा है, सारे चुनावों को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और मजबूती के साथ जीत रही है। आने वाला समय भी अभी दूर दूर तक किसी का नहीं है। जब तक मोदी जी हैं देश में, तब तक देश में मोदी ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं आने वाला है। ये मैं स्पष्ट कर दूं, आम आवाम से भी सारे लोग मोदी की तरफ निगाह करके बैठे हुए हैं, मोदी कोई है ही नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बात कर रहे थे, कहीं नहीं है कोई, जमीन पे कोई एक भी संगठन का, कोई बूथ का कोई नाम बता दे, कोई संगठन का कोई व्यक्ति बता दे, जमीनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कितने करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत ताली बजी उतर करके काम कर, बहुत ताली बजी थी उनके लिए, अरे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए इतनी जनता है। अब वो ताली बजा रहे न बजाए, मैं तो चितकूर से हम ताली बजाने वालों को हाथ ले आता तो यहाँ भी ताली बजवा देता। और वो 80 में 80 की बात कर रहे थे आरके पटेल जी, वो कह रहे थे कि 80 के 80 तो हम ले जाएंगे, BJP वाले क्या करेंगे? चंदेल साहब बताएं, आप लोग दोनों लोग बुंदेलखंड से हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई सामान्य थोड़ी है, वो उनकी बात का वजन है, कह रहे हैं कि 80 सीट वही जीत लेंगे। हाँ, तो आप लोगों के मन में अब दुखी है कि नहीं कि हम लोग का क्या होगा, हारेंगे कि नहीं? क्या वीरेश जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं और ABP गंगा चैनल प्रतिष्ठित समाचार मतलब न्यूज चैनल है और हम लोग जिस दल के हैं, हमारा नेतृत्व गंगोत्री के तरीके पवित्र है। हम लोग हल्की बात करने में विश्वास नहीं करते। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो हमसे बहुत सीनियर बुंदेलखंड के बड़े नेता हैं, हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी उनको ये जरूर सुझाव है कि जितना बड़ा उनका कद है उतने वजन के साथ आगे कहीं अगर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं और पहले भी हम लोग, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपका बहुत आभारी इसलिए हूँ कि बुंदेलखंड में आपने महापंचायत की और हम लोग अपने केवल क्षेत्र की समस्याओं को जानने वाले लोग हैं, उसको समझने वाले लोग हैं और उसको संसद में देश के सामने उजागर करने वाले लोग। आपके माध्यम से, सभी के माध्यम, सभी लोगों की बातें सुनने का अवसर मिलता है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कई बार इतनी बड़ी बात कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और स्वयं UP छोड़ करके चले गए और वो स्वयं अपनी सीट नहीं जीत पाए। अब मैं 80 की 80 की बात उनकी नहीं करूँगा, लेकिन हमको ये पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की 80 में 80 100% आएंगी ही आएंगी, निश्चित आएंगी, इसमें कोई दोराय की बात नहीं। और ये हमको अपने गंगोत्री के तरीके पवित्र नेतृत्व पर भरोसा है, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भरोसा है, हमारे कार्यकर्ता जो बूथ पर हैं उनका हम लोग जनप्रतिनिधियों से लगाओ और जनप्रतिनिधियों का उनसे लगाओ। हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारी पार्टी के विधायक सांसद बैठे हैं, 80% बूथ अध्यक्षों के मोबाइल नंबर उनके मोबाइल में फीड हैं। हम लोग 100% फ़ोन उठा पाएँ या ना उठा पाएँ, लेकिन हमारा उनसे संपर्क लगातार रहता है। हम अपने बूथ मैनेजमेंट, अपने कार्यकर्ताओं की टीम और अपना गंगोत्री के तरीके पवित्र नेतृत्व और सरकार को देश को दिशा देने वाला नेतृत्व और शुचिता की राजनीति करने वाला नेतृत्व और बुंदेलखंड में नहीं पूरे देश में विकास की गंगा बहाने वाला जो नेतृत्व है उस पर हमको पूरा भरोसा है। 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 में आएगा। और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है 2024 के मद्देनजर। ये कहा जा रहा है कि हारी हुई सीटें जो हैं वहाँ पर आपका फोकस इस बार ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव का तो आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी चल रही है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पिछली दफ़ा 2017 में आप 19 की 19 सीटें यहाँ की लेकर के गए,
लेकिन 2022 में 3 सीटों का नुकसान आपको झेलना पड़ा। ये नुकसान आपको क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आई, क्योंकि इसको लेकर विश्लेषण आप लोगों ने किया होगा। दीपा जी, हो सकता है हम लोग सत्य को स्वीकार करने वाले लोग हैं और निश्चित कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ी बहुत मैनेजमेंट में कमी रही होगी। सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं, मैं MP हूँ हमीरपुर से, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मुझे पता है मेरी पार्टी की नीतियों की कोई गलती नहीं है, मेरे नेतृत्व की कोई गलती नहीं है, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की गलती हो सकती है। हो सकता है कि ऐसे लोग जो रहे हों कुछ कहीं उनसे कोई त्रुटि हुई हो, उसको ना समझ पाए हों, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे बड़ा जो वजनदार लोग हैं, सक्षम लोग हैं, समर्थ लोग हैं, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं पर भरोसा करके पार्टी उनको टिकट देती है और कार्यकर्ता अपने सर पर बैठा करके चुनाव लड़ता है। हमारी पार्टी वो नहीं है। मैं आपको दीपा जी बताना चाहता हूँ, वीरेश जी भी सब जानते हैं, अन्य दलों के चुनावों में बुंदेलखंड में देखा, कहीं पैसे बांट करके, कहीं शराब पिला करके, बेहोश करके, पहले पैसे के दम पर सत्ता में आए और सत्ता के दम पर फिर पैसा, फिर पैसे से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा, ये खेल चलता था। और उसके बाद जनता से, व्यापारियों से, अधिकारियों से लूट खसोट करके, उसके बाद उसके पैसे की ताकत को दिखा करके सत्ता में आने का काम करते थे। तभी आज तक बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार कभी रिपीट नहीं हुई। और मैं दावे के साथ पर आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ, कभी जिंदगी में मतलब रिपीट होने की बात छोड़ दीजिए। अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों बड़ी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार नहीं बना सकते हम लोगों के जीवन काल में, ये हमको पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का उनका कार्यशैली है, रही है काम करने की, आप ऐसी बात कह रहे हैं और सामने प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे झांसी के, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ हैं कांग्रेस के, उनको बड़ा निराशा होगी और वो 80 सीट दे रहे थे, वो जिता रहे थे, आप कह रहे हैं कि वो रिपीट ही नहीं करेंगे, कभी आएंगे नहीं। खाबरी जी, नहीं मैं नहीं, मैं नहीं, वीरेश जी एक मिनट, मैं एक समय लूंगा, आपने नाम लिया, ये नहीं, हम लोग बहुत मर्यादा के साथ काम करने वाले लोग हैं, शुचिता से काम करने वाले लोग हैं, बड़े मन से। प्रदीप जैन आदित्य जी बैठे हैं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका पूरे बुंदेलखंड में बहुत सम्मान है, उन्होंने जितने अच्छे तरीके से काम किया, मिलजुल करके सब कार्यकर्ताओं से मिलकर काम किया, अगर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती तो निश्चित रूप से उनकी सीटें हम मान भी लेते कि 4-5 सीटें आ जाएंगी। लेकिन आप इतने होशियार हैं और इतनी तारीफ कर रहे हैं, में सभी लोग होशियार हैं, नहीं आप लोग इसीलिए चुने जा रहे हैं लगातार, ये ऑपरेशन लोटस जो है कमल, वो आप लोग इधर भी करेंगे क्या? नहीं, नहीं, बुंदेलखंड के इतने आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, प्रदीप जी को ले आएंगे क्या? मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं सक्षम भी नहीं हूँ, अधिकृत भी नहीं हूँ इस बात के लिए, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्रदीप जैन जी, वो तो बड़े प्रामाणिक कार्यकर्ता है कांग्रेस के, लेकिन उनके जैसे प्रामाणिक लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आए तो हम लोग कुर्ते में भीख मांग करके उनके दरवाजे पे जाकर के उनको सिंहासन पे बिठाने का काम कर सकते हैं। ये हमारी खबर आप दे रहे हैं? नहीं, बुंदेलखंड के एबीपी गंगा के मंच से आप कह रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी जिस तरीके से, नहीं मैं व्यक्तिगत उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जैसी छवि के लोग अगर कहीं पर इस प्रकार के लोग हैं तो हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी चाहती है कि हर पार्टी के जो अच्छे वरिष्ठ लोग, सज्जन, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन लोग हैं, वो आए, हम बिल्कुल आए, देश को मजबूत करें, क्योंकि हम लोग देश को, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प लेकर के घर से निकले, MP MLA बनने के लिए निकले। प्रदीप जी को तो ले आया, खाबरी जी आज तो, अरे बिल्कुल वरिष्ठ नेता है, स्वागत है, हमारी पार्टी और मजबूत होगी, क्या दिक्कत? क्या बात है, देखिए और बड़े 80 सीटें जीतेंगे, बड़े अंतर जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कितना, उनके पास अवसर है, स्वस्थ राजनीति। और अब मैं तो बहुत मुरीद हो गया आप, क्योंकि बात बहुत साफ साफ कर रहे हैं। बताइए प्रदीप जी, ये तो खुला ऑफर है कि आपकी जो छवि है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में जो आप राजनीति करते हैं, ये बुला रहे हैं कि आप? व्यक्तिगत तो हर आदमी आपकी तारीफ करेगा, व्यक्तिगत आपकी छवि जो है उसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता, उनकी, है आप लोगों की जो व्यक्तिगत छवि है पार्टी की नीतियों तो से, कांग्रेस वाली छवि आपकी नहीं है। तो अगर ये तो अटल जी वाला हो गया कि अच्छा आदमी है गलत पार्टी में, जो उनको कहते थे, तो इस बार अच्छा आदमी है तो अच्छा आदमी भरोसा कहीं कर ले तो फिर क्या होगा, 80 लक्ष्य कैसे आप लोग पा पाएंगे, कांग्रेस से उम्मीदवार हो जाएंगे? देश देखिए, जहाँ तक भाई साहब की उम्मीदवारी की बात आप कर रहे हैं, तो उम्मीदवार उस दल से जब होंगे, उस दल को लोग वोट कर रहे हैं, भाई साहब को तो वोट करते ही हैं, पर्सनल मेरा कुछ वोट होता है लेकिन दल का वोट होता है, और जब दल का वोट होता है तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 60 सालों तक इस देश में जो राज करने का काम किया है उसको लोगों ने खारिज करने का काम कर दिया है।
अब कांग्रेस के पास कोई कभी रहा होगा जमाना कांग्रेस का, आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। अच्छा, कांग्रेस की पूंजी सब खत्म हो गई है। साहब कांग्रेस में तो आप रहे नहीं, आप सपा में रहे, बसपा में रहे और लगभग 30-40 साल से तो वही सत्ता में है, तो ये बताइए दोन और इस समय भाजपा में, आप भाजपा में भी रह के आपने सारा सिस्टम देख लिया और वहां भी सिस्टम देख लिया, जनता और मेरे अंदर भी एक उत्सुकता है, आखिर आप भाजपा की इतनी तारीफ जो कर रहे हैं, बाकी पार्टियों में वो क्या नहीं है जो भाजपा में है और उनमें नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जुड़ करके और राजनीति की शुरुआत किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियां रही, तमाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ढिंढोरा पीटा गया, वोट लेने का काम किया गया, उन तमाम महापुरुषों के नाम पर ढिंढोरा पीटा गया लेकिन कोई काम नहीं किया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ बना करके बाबा साहब जहाँ पैदा हुए महू छावनी में अम्बेडकर नगर घोषित करके वहाँ पर तीर्थस्थल बनाया गया, बाबा साहब जहाँ पढ़ने गए लंदन वहाँ पर उस विश्वविद्यालय के सामने वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम, उस घर पर जहाँ बाबा साहब रहते थे उसको लेकर के वहाँ विदेशों में भी बाबा साहब का पूरा इतिहास बनाने का काम, और बाबा साहब अम्बेडकर जब यहाँ पर भारत सरकार में मंत्री रहे, जिस बंगले पर रहते रहे उस बंगले को बाबा साहब के नाम पर पूरा वहाँ पर लाइब्रेरी और पूरा संग्रहालय बनाने का काम, तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट लेने का काम जरूर लोगों ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वोट लेने का काम किया, लेकिन आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में अगर किसी ने स्थापित करने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसी तरह से बौद्ध जी के नाम पर तमाम राजनीति हुई और आज बौद्ध तीर्थों को विकसित करने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ की बात, मैंने उस जमीन को मैंने वहाँ से शुरुआत किया है। आज देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही, इसलिए मैं गर्व से कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सबको समेट करके आगे बढ़ाने का काम। अभी माननीय सांसद जी कह रहे थे हम भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत कभी विश्व का गुरु था, ज्ञान विज्ञान देने वाला भारत था, भारत यहाँ का तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे भारत के थे वो नष्ट हो गए, और आज भारत कटोरा लेके 60 सालों की राजनीति में कांग्रेस की कटोरा लेके अमेरिका से लाल ज्वार मंगा करके हमें खिलाने का काम करने का किया। आज भारत हमारा आत्मनिर्भर बना है। आज इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने किसी देश से वैक्सीन नहीं मंगाई, हमारे देश के वैज्ञानिक आत्मनिर्भर बने, हम उन वैज्ञानिकों का नमन करते हैं वंदन करते हैं, 6 महीने के अंतराल में हमारे देश की वैक्सीन बना करके और देश के हर व्यक्ति को हमने वैक्सीन मुफ्त में लगा दिया और 3 साल से मुफ्त में अपने देश का खाद्यान्न ला करके और मुफ्त में खिलाने का काम कर रहे हैं। ये भारत का आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी की अगुवाई में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। चुनावी मंचों से हम ये सुनते आ रहे हैं सर, 2014 से 17-19 हम लोग 22 में भी हम लोग ने ये सेम बातें सुनी। यहाँ दोनों ही आप यहाँ से आते हैं, दोनों ही यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विकास को लेकर क्योंकि ये बार बार शिकायत रहती है कि मुख्य धारा से आप नहीं जोड़ पाए हैं बुंदेलखंड को आज तक। देखिए, बुंदेलखंड को मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरे बुंदेलखंड को, झांसी से लेकर के चित्रकूट आपका बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश का उधर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है, और पूरा बुंदेलखंड को एक एक करके झांसी से चित्रकूट तक, चित्रकूट का डेवलपमेंट करने के लिए 500 करोड़ रुपए अभी जारी हुआ है। 5000 करोड़ रुपए का पैकेज चित्रकूट के पूरे विकास के लिए, चित्रकूट अकेले चित्रकूट जिले के लिए, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर के बुंदेलखंड में चित्रकूट में हवाई अड्डा बनकर के तैयार हो रहा है, हवाई अड्डा बनकर के बुंदेलखंड में तैयार हो रहा है। 4 महीने के अंदर पूरे विश्व के लोग चित्रकूट उतर करके पर्यटन की संभावनाएं चित्रकूट में अपार थी। बगल में खजुराहो में चित्रकूट वहाँ लोग जाते थे पर्यटन के क्षेत्र में, लेकिन चित्रकूट की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में चित्रकूट का सर्वांगीण विकास, सड़कों का जाल बिछा, 4 लाइन सड़कें बन रही हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर जो माफिया और बदमाशों का अड्डा होता था, जिस पहाड़ों पर बंदूक में पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हुआ करती थी, गोलियां दड़दड़ाती थी, आज उस चित्रकूट के पाठा में हवाई जहाज गड़गड़ा के उतरने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कायाकल्प हुआ है पूरे क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों का कायाकल्प, सर्वांगीण विकास कर दिया आप लोगों ने, उनका सवाल है। पृथक बुंदेलखंड की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसकी आवश्यकता नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं, आपने बोला अभी बुंदेलखंड की मांग की बात आपने की, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मांग की,
को जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिष्ठित चैनल जब ये बात उठाता है तो बड़ी दूर तक जाती है। एक एक बुंदेलखंडी चाहता है कि बुंदेलखंड पृथक प्रांत बने, लेकिन वो जमीन का एक भूभाग का टुकड़ा नहीं बने। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रिचनेस है, जो हमारे संस्कार हैं, वो जो क्षेत्र है उसको बिल करके बने। हम लोग चाहते हैं मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का जितना भूभाग हमारा ऐसा है जो एक संस्कृति, एक जैसे त्यौहार मनाते हैं, एक जैसी बोली भाषा संस्कार, हमारे यहाँ इतनी गौरवशाली हमारा परंपरा है कि अगर गाँव में दो लोगों का विरोध है और किसी दूसरे विरोधी का कोई दामाद या बहनोई अगर गाँव में आ जाए तो वो विरोधी खड़े होकर उसके दरवाजे से निकले, बिना पैर छुए उसको आसन से बिठाए, उसका सामान अटैची लेकर के उसके घर छोड़ने जाता है। ये संस्कृति आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। ये हम लोगों की है। हम लोग चाहते हैं कि बुंदेलखंड प्रांत बने। मैंने उसके लिए मैं प्राइवेट मेंबर बिल भी मैंने डाला, कई बार मैंने सदन में इस बात को उठाया भी। और ये मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि गंगोत्री की तरीके हमारा पवित्र नेतृत्व, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर और कोई दल के लोग हों उनको हो सकता है कुछ बोलें, लेकिन हमारी पार्टी हम लोगों को ये स्वतंत्रता देके रखती है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जन भावनाओं का आदर करते हुए अपनी बात रखें। मैंने सदन में कई बार उठाया, उसके बाद मैं बिल लेकर के आया भी। हो सकता है अगर ऊपर बुंदेलखंड की अगर ईश्वर की कृपा होगी उस पर चर्चा चलेगी, जैसे केन बेतवा और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का नदी जोड़ने का बिल मैं लेकर के आया था, 9 महीने सदन में चर्चा चली। और मैं समझता हूँ हो सकता है कि अगर वो बिल आने में देर होती या नहीं लगता, अगर बुंदेलखंड की किस्मत नहीं होती तो शायद वो भी सवाल आप कह रहे हैं कि अक्सर आप ये मुद्दे को उठाते हैं। उमा भारती से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक को हमने सुना है, चुनावी मंचों से सुना है, लेकिन अपनी बात क्यों ठंडा पड़ रहा है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं आपका। मैं बुंदेलखंड की बात पे मैं आ रहा हूं, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य मैंने ये केन बेतवा का मैंने इसलिए जोड़ा कि मेरे जैसा छोटा सा एक कार्यकर्ता पार्टी का बिल लेकर के आया, उस पर 9 महीने चर्चा चली और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 45,605 करोड़ रुपए दे दिए। केवल घोषणा नहीं किए कांग्रेस की तरीके, पैसे कैबिनेट में पास हो गया, बजट में आ गया, सर्वे शुरू हो गया और टाइम बाउंड 2030 तक बुंदेलखंड देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बन जाएगा। बुंदेलखंड की बात रही, बुंदेलखंड उत्तराखंड, आप छत्तीसगढ़ या झारखंड की आप बात करें, किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अभी वीरेश जी आप पूछ रहे थे खावरी जी से, जब भी बुंदेलखंड बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, तभी वो भावनाओं का प्रदेश बनेगा। क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया था, तेलंगाना में खून खराबा और वहाँ आज की स्थिति आप देख लीजिए। जन भावनाओं का आदर करते हुए प्रदेश बने तब वो शांति के साथ काम करेगा। उत्तराखंड आज खुशहाली में है, छत्तीसगढ़ खुशहाली में है, झारखंड खुशहाली में है, तेलंगाना और आंध्रा का रोज विवाद चल रहा है आप जानते हैं। हम लोग पार्लियामेंट भी, आप लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं देखते हैं, रोज तेलंगाना के MP खड़े होते हैं, वहाँ आंध्रा के खड़े हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस जिस परंपरा से काम करने वाले हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारा बुंदेलखंड बने, इसके लिए हम लोग अपना बिल्कुल तन मन धन हर प्रकार से हम लोग तैयार हैं और हमारी पार्टी ही बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी और हम लोग निरंतर उसके लिए लगे हुए हैं। इसमें विंध्य बुंदेल प्रांत होना चाहिए, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ हमारा क्षेत्र है और रीवा सतना इस जो नक्शा है उसको छूटा हुआ है। जब तक रीवा और सतना को इस नक्शे में नहीं जोड़ेंगे आप, तो हमारा बुंदेलखंड अधूरा रहेगा। चित्रकूट हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, आधा मध्य प्रदेश आधा उत्तर प्रदेश में है, और सतना को आप छोड़ देंगे इससे तो निश्चित तौर पर चित्रकूट हमारा फिर भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए बुंदेलखंड राज्य जब भी बने, बनाया जाए, हम भी उससे सहमत है, तो बुंदेल प्रांत बनना चाहिए इसको। बुंदेले हर बोलों के उम्मीद, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली राइन थी, ये भी था, लेकिन वहीं पर आपका बगल से लगा हुआ जो हमारा रीवा है, रीवा बनना हमारा बगल से लगा है, सतना है, ये सारे जब तक नहीं मिलेंगे तो हमारा जो हमारे पास हीरा भी होगा, हमारे पास माइंस भी होगा, हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। तो इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौस, और छत्र साल से लड़न को ना काहू में धौस, ये बिंदु बुंदेलखंड की सीमाएं होनी चाहिए। इधर नर्मदा, उधर चंबल, इधर टौस, ये बुंदेलखंड का राज बनना चाहिए। हमारी ये आपसे मतलब सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं, अब लगातार इस बात को हम उठा रहे हैं, ये बनना चाहिए। लेकिन वो सीमा जो आप बना रहे हो और लोग बनाए उसको नहीं। एक सवाल प्रदीप जी, आप नहीं कह सकते कि चित्रकूट 2 भाग में बना, यहाँ पे दमोह नहीं है। शिवराज सिंह ने मना कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के 4थी बार मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कभी बुंदेलखंड की बात नहीं करते। राजनाथ सिंह झांसी आए थे, हमारे बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के दिनेश भार्गव बैठे, धरना लगातार चला कि भारती जी तो आपके सांसद जी ने प्राइवेट बिल लेके आए, लेकिन आपकी बुंदेलखंड प्रांत बनाना नहीं है। आदरणीय जैन साहब, आदरणीय आदरणीय जैन साहब, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय जैन साहब, मैं जी ने बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन करके और यहाँ पर गठन करके आपके माननीय यहाँ पर पदाधिकारियों को नियुक्त किया। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का पहली बार उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष यहाँ पर नामित हुआ। अलग जुमला है, 5 साल में 5 करोड़ रुपए और नीली बत्ती मिलती विकास बोर्ड में, कुछ भी नहीं मिलता। गठन करके शुरुआत की गई है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की नहीं हुआ, शुरुआत उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तीनों जगह आपकी सरकार है। आदरणीय जैन साहब, मैं आपने बोला, आपकी बात बोलता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी जो हैसियत है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। मरते दम तक यहीं रहने वाला हूं, मैं इधर उधर जाने वाला नहीं हूं। अनुशासित एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।